हाँ बच्चों, देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। कहता है ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ द सिंगलेट कार्बन। सिंगलेट कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बच्चों sp2 होता है, जिसमें दो सिग्मा बॉन्ड होते हैं और एक लोन पेयर होता है जो कि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। क्लियर है? तो इसका जो करेक्ट स्ट्रक्चर होगा वो ये वाला होगा, फर्स्ट हो जाएगा। और दूसरा होता है ट्रिपलेट कार्बन। ट्रिपलेट कार्बन में क्या होता है, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अलग अलग पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, तो इसका करेक्ट स्ट्रक्चर सी होगा। ये सब याद रखने वाली बात है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 28। 28 में मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन है। वैसे तो वीडियो रोक करके आपको खुद से ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार बता दिया। देखिए बच्चों, यहाँ से क्लोरोफॉर्म KOH जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो HCl का रिमूवल होगा और फिर ये बनाएगा डाईक्लोरोकार्बिन। डाईक्लोरोकार्बिन आपको पता है एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर एल्कीन का अटैक हो जाएगा। जैसे ही एल्कीन का अटैक होगा तो आपको पता है कि यहाँ पर इस तरह से एक 3 मेंबर का रिंग बन जाना है। फिर उसके बाद बच्चों इधर भी रिंग है, मैंने एक ही तरफ का बनाया है, ठीक है ना। यहाँ पर डबल बॉन्ड है। सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ से इस कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन HDIC होता है, इसमें भी यहाँ पर HDIC होगा, तो दोनों HDIC हाइड्रोजन को ये बेस रिमूव करके एनायन बना देगा। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पर भी एनायन, यहाँ भी एनायन। अब क्या करना है, तो यहाँ से बच्चों इसमें रीअरेंजमेंट होगा, जैसा कि मैंने आपको बहुत बार बताया है। ये इधर जाएगा, ये 1 2 हो गया, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा, दूसरा कार्बन 4 बॉन्ड से ज़्यादा नहीं बना सकता, तो कोई ना कोई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो अब ये 2 और 4 वाला बॉन्ड टूटेगा। 2 और 4 बॉन्ड टूट करके वो 2 3 में भी शिफ्ट हो सकता है और 3 4 में भी शिफ्ट हो सकता है। चूँकि 1 2 में पाई बॉन्ड बन चुका है, तो 2 3 में हम लगातार पाई बॉन्ड नहीं बना सकते, इसलिए इसको तोड़ करके हम 3 4 में शिफ्ट करेंगे। जैसे 3 4 में शिफ्ट करोगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये कार्बन 4 बॉन्ड से ज़्यादा नहीं बना सकता, इसलिए यहाँ से क्लोरीन हट जाता है। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? और ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये 5 मेंबर रिंग और यहाँ पर बन जाएगा 6 मेंबर रिंग। यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, ये 1 2, ये 3 4, 3 पर आ गया क्लोरीन, 4 हो गया, फिर ये हो गया 5, ये हो गया 6, 5 6 के बीच में डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये माइनस चार्ज। समझ में आ रहा है क्या? इसी प्रकार से सेम टू सेम वे में जब यहाँ पर दूसरा, देखिए ये पहला स्ट्रक्चर बन गया, ये ए बन गया, ठीक है ना, फिर इसके ऊपर क्लोरोफॉर्म प्लस KOH है, तो फिर से वही बात, CCl2 आएगा और ये CCl2 अब इधर वाले कहाँ पर चला गया, इधर वाले एल्कीन के साथ ये डाईक्लोरोकार्बिन बनाएगा। क्लियर है? मतलब ये इसके साथ ऐसे रिंग बना देगा 3 मेंबर। अब 3 मेंबर रिंग बनाएगा तो अब क्या करें, तो अब करना क्या है, वही काम करेंगे। देखिए तो ये जो निगेटिव चार्ज है ना, हम इसको इस तरफ भी मूव करा सकते हैं, इस तरफ भी मूव करा सकते हैं। अगर मैं इधर मूव कराता हूँ तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो यहाँ पर ये जो 2 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से क्लोरीन हट जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा, तो इधर एक 6 मेंबर का रिंग बनेगा और इधर तो 6 मेंबर का रिंग है ही, यहाँ पर डबल डबल, यहाँ पर CL है। अब देखिए यहाँ पर डबल बनता हुआ दिख रहा है आपको, ये 1 2 हो गया, फिर 3 4 में यहाँ डबल बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है ना, और ये 5 6 में तो डबल बॉन्ड है ही। इम्पोर्टेंट बात है कि 1 2 3 तीसरे में क्लोरीन यहाँ पर आ जाएगा, तीसरे में क्लोरीन आ जाएगा। ऐसा कोई स्ट्रक्चर दे रखा है क्या, देखिए ऐसा कोई स्ट्रक्चर दे रखा है क्या बच्चों, ऐसा स्ट्रक्चर अभी तो नहीं दिख रहा है। ये है यहाँ, तो यहाँ होना चाहिए। इसका मतलब इसने पक्का इस तरफ से घुमाया रिंग को। चलो वो भी देख लेते हैं, कोई बात नहीं।
देखो यहाँ पर ये इस तरह से आप सिक्स मेंबर का रिंग बना दो, सॉरी इधर तो बना हुआ है तो इधर बना ही देता हूँ डायरेक्ट, इधर वाला तो आपको समझ में आ ही चुका है ना। यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ डबल है, यहाँ डबल है, यहाँ पर ऐसा है नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पर क्लोरीन है, कार्बन है, और यहाँ पर दो क्लोरीन है। इस बार मैं क्या करता हूँ, इधर से इसको इधर शिफ्ट करता हूँ, तो ये 1 2 हो गया। फिर इसको मैं इसको उठा करके इधर शिफ्ट करता हूँ, तो 1 2 हो गया, तो ये 3 और 4 हो गया, 3 और 4 हो गया। तो जैसे ही डबल बोन यहाँ पर आएगा तो हमें इस बोन को तोड़ना पड़ेगा, इस बोन को तोड़ के हम कहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर, तो यहाँ से एक क्लोरीन को हटाना पड़ेगा। तो 3 4 हो गया, ये 5 हो गया, और ये 6 हो गया, ठीक है। चलो अब देखते हैं सेट करके, पहले 6 मेंबर रिंग बनाओ, इधर भी बना दो 6 मेंबर रिंग, यहाँ पर डबल डबल और क्लोरीन तो है, इधर तो कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ देखो यहाँ डबल दिख रहा है, यहाँ डबल दिख रहा है ना, यहाँ डबल, यहाँ पर डबल, नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद 5 6, 5 और 6 के बीच में डबल बोन भी आ गया, बहुत अच्छी बात। अब इस बार 5 पर देखिए क्लोरीन है ना, 4 5 पर क्लोरीन है, तो क्लोरीन तो यहाँ पर आएगा, है क्या कोई ऐसा स्ट्रक्चर, नहीं बच्चों, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है स्ट्रक्चर में, ठीक है ना। गड़बड़ मेरे हिसाब से सी दिया होगा आंसर, और सी में ये क्लोरीन यहाँ पर ना जुड़ करके यहाँ पर जुड़ेगा, ठीक है। 28 का सी दिया है, देखो सी दिया है ना, तो बच्चों ये इसमें गलती है, ये सी यहाँ पर, ये क्लोरीन यहाँ होगा तो इसमें क्लोरीन यहाँ पर होगा, इसमें करेक्शन आएगा, ठीक है ना। तो सी इसका देख लेना चेंज होगा स्ट्रक्चर, क्योंकि मैंने दोनों तरीके से करके आपको बता दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पर बात कर लेते हैं। 29 में बच्चों यहाँ से देखिए, ये से यहाँ 3 मेंबर रिंग बनाया, ऑब्वियस सी बात है कार्बिन की ज़रूरत है, तो इसको बोलते हैं डाई एजो मीथेन। डाई एजो मीथेन को जब हम हीट करते हैं बच्चों, तो यहाँ से नाइट्रोजन गैस लिबरेट हो जाता है और बन जाता है डाइक्लोरोकार्बिन, और ये डाइक्लोरोकार्बिन पर जब इस एल्कीन का अटैक होगा तो यहाँ से बच्चों ये 3 मेंबर का रिंग बन जाएगा, और फाइनली प्रोडक्ट के रूप में ये बनेगा, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा।